everyone, good morning and welcome back to Banking Basad official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I am currently working as a bank PO. Since आप सभी जानते हैं कि हमारा SBI PO pre-examination जो है वो बिल्कुल आ चुका है और आप सब I hope बहुत ready होंगे इस examination के लिए. आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है और अब वो time आ गया है जब आपका जो मेहनत है उसका result देखने को आपको मिलेगा. आज के हमारे session में हम देखेंगे कि क्या last minute tips आपके लिए हो सकती हैं SBI PO examination के लिए जो आपको अपने real examination में काफ़ी help करेंगी. तो चलिए आज के session शुरू करते हैं. Hello everyone, welcome to Banking Basad. मेरा नाम अमन मिश्रा है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ ऑफिसर इन वन ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स. जैसा आपको बताया, दो तीन दिन में आपके SBI PO प्रीलिम्स का एग्जाम है. मैं आपको बताऊंगा आज कि एग्जाम के दिन आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. स्पेशली आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आपका पेपर में आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो, आपका एग्जाम खराब ना जाए. फर्स्ट, आपको अपने एग्जाम सेंटर पर एकदम टाइम पर जाना है. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत लेट जा रहे हैं या आप बहुत रश करते हुए जा रहे हैं. इससे आपको एक मेंटल प्रेशर हो जाता है कि मैं लेट ना हो जाऊं, मेरा पेपर ना छूट जाए, क्या मैं टाइम पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा. इस चक्कर में कई बार आप जो एक घंटे का स्लॉट होता है, जो आपको एग्जाम का टाइम होता है, उसमें आपका माइंड रश रहता है. उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप कूल नहीं रह पाते, काम नहीं रह पाते. तो हमें क्या करना है, पहले अपने आप को काम रखना है. उस काम के लिए हम सेंटर पर टाइम पर पहुंचेंगे. सेकेंड, जैसे ही हमें कोई कंप्यूटर कोई सिस्टम अलॉट होगा, हमें उसके कीबोर्ड की उसके माउस की फंक्शनैलिटी हमें चेक कर लेनी है. हमें ये देखना है कि क्या वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं. इन केस उसमें कोई भी इशू है, आप उसे तुरंत ही चेक करें. कई स्टूडेंट्स जब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता उसे देखते नहीं है. उस चक्कर में उनका बीच में 2-4 मिनट हमेशा खराब हो जाता है. वो चीज़ आप 101% अवॉइड करें. थर्ड, जैसे ही आपको शीट्स अलॉट होती हैं, जो रफ शीट्स आपको मिलती हैं, उसमें 2 या 3 शीट होंगी, उसमें आप अपना नाम रोल नंबर तो लिख ही लेंगे. उसमें आपको क्या करना है, किसी भी एक शीट में जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो चीज़ें आप साइड में उतार लीजिए. मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता है रीजनिंग में डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया. मुझे पता है कोई टेबल या उसका कोई अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो एक रफ छोटी सी टेबल बना लेता हूँ साइड में. इससे क्या होता है, एग्जाम के बीच में आप 15 से 20 सेकेंड 40 सेकेंड इन सारी चीज़ों में सेव कर लेते हैं. और इससे आप, क्योंकि आपने ये टाइम सेव कर लिया, आप शायद आप एक आधा क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करें. एंड इन ए कॉम्पिटेटिव एग्जाम इट्स ऑल अबाउट टेकिंग एन एडवांटेज ओवर दी अदर कैंडिडेट. तो ये जरूर करिएगा. कुछ स्टूडेंट्स क्यूब रूट, स्क्वायर्स, क्यूब्स वो लिख लेते हैं. तो जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसे साइड में एक जगह जरूर लिख लें. अगर आपकी उससे थोड़ी भी हेल्प होगी तो आपको ये एक एडवांटेज जरूर मिलेगा. फोर्थ, अननेसेसरी कन्वर्सेशन एग्जाम से पहले दूसरे कैंडिडेट्स के साथ आप ना करें. कई बार एग्जाम सेंटर में जाते ही हमारे आसपास या जब हम स्टार्टिंग में लाइन में खड़े होते हैं तो वहाँ अननेसेसरी कन्वर्सेशन हम कर लेते हैं. जिससे क्या होता है, क्या पता साहब जिससे हम बात कर रहे हैं उसका मुराल अच्छा ना हो, उस चक्कर में हमारे को भी कोई नुकसान हो. एग्जाम के बाद आप भले ही किसी से कन्वर्सेशन कर लें, पूछ लें क्या अटेम्प्ट है, बट पहले आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी. अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा. यू हैव टू रिमेंबर यू हैव वर्क वेरी हार्ड, इट इज़ टाइम फॉर यू टू बी वेरी स्मार्ट नाउ. तो आप उसी ढंग से आप पेपर अटेम्प्ट करें और अच्छे से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें बेसिक्स फॉलो करेंगे, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म है. अब हाँ, किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है उनकी वीडियोस में सेपरेटली बना चुका हूँ कि कैसे 20 मिनट के स्लॉट में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को आप अटेम्प्ट करें. डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा. ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच. सो ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स थी जो सर ने आपको बताई हैं. आई होप ये सारे टिप्स जो हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले अपने एग्जामिनेशन में. आप एग्जामिनेशन देने जाइए, आपने बहुत मेहनत की है और आपकी मेहनत का रिजल्ट जो है वो आपको जरूर मिलेगा. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. एंड आपका जो भी एग्जामिनेशन के बाद में आपके जो अटेम्प्ट रहता है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट जरूर करें. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.